नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो दिन में 13,991 स्वस्थ, 11,583 नए पॉजिटिव मिले। नया फ्लाइट शेड्यूल लागू हुआ, गाली देने से रोकने पर हमला। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दो दिन में 13,991 स्वस्थ, 11,583 नए पॉजिटिव मिले। अप्रैल महीने में कोविड संक्रमण ने नागपुर जिले में खूब तांडव मचाया। उसके बाद मई के शुरुआती दो दिनों में नए संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अच्छी बात है, लेकिन बढ़ी हुई मौतें ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दो दिन में जहां 11,583 नए संक्रमित मिले, वही 13,991 संक्रमित स्वस्थ हुए। लेकिन मई के शुरुआती दो दिनों में कोविड ने 211 संक्रमितों की जान ले ली। अब तक नागपुर जिले में कुल 4,19,370 संक्रमित मिले और 7,599 संक्रमितों की मौत हो गई। तो वही दूसरी ओर नया फ्लाइट शेड्यूल लागू हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर 1 मई से उड़ानों का नया शेड्यूल लागू हो गया है। इसके तहत अब लंबे समय से रद्द रहने वाली उड़ान एयरलाइंस के सिस्टम पर नजर नहीं आएंगी। यात्रा संख्या में लगातार भारी कमी के चलते विभिन्न शहरों के लिए उड़ाने फिलहाल बंद कर दी गई है। सिस्टम पर रद्द नजर आने के बीच यात्रियों की ओर से लगातार उन उड़ानों के बारे में पूछताछ की जा रही थी। अब ये फ्लाइट नजर ही नहीं आएंगी तो उनके विषय में सवालों के जवाब भी एयरलाइंस को नहीं देनी होंगी। वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली, मुंबई, पुणे व हैदराबाद के लिए ही उड़ाने हैं। इसके अलावा एयर इंडिया का दिल्ली और मुंबई फ्लाइट है। वही इनमें से किसी शहर के लिए अतिरिक्त यात्री जुटने पर अतिरिक्त उड़ान भी संचालित किए जाने की व्यवस्था है। तो वही तीसरी ओर गाली देने से रोकने पर हमला। गाली देने से मना करने पर इमामवाड़ा में एक युवक को जख्मी कर दिया गया। शनिवार रात सुनील कश्यप रामबाग अपने मित्र के साथ बैठा था। उसी वक्त कपिल मंगल भीमटे उड़केश्वर दोपहिया से वहां आकर रुका और मोबाइल पर किसी को गाली देने लगा। सुनील के गालियां देने से रोकने पर कपिल विवाद कर चला गया। कुछ देर बाद कपिल लौट कर आया और चाकू से वार कर सुनील को जख्मी कर दिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।